हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम 7.4 के कुछ, शायद 7., हाँ 7.4 के ही हमने कुछ क्वेश्चन रह गए थे, यानी एक नई टाइप रह गई थी, उस टाइप को कर लेते हैं, फिर हमारा 7.4 प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए जरा उसके तीन चार क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए कि आखिरकार हमें 7.4 में और किस टाइप के क्वेश्चन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए ये देखो बच्चों, हाँ जी बच्चों, पहला देखेंगे ये एग्जाम्पल नंबर 10 का पार्ट नंबर फर्स्ट। ये देखिए, एक्स प्लस टू, 2x² प्लस 6x+5 dx। ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब तक क्या हो रहा था, अब तक ऊपर 1 होता था और नीचे डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा था, एक केस तो ये था। दूसरा क्या था कि ऊपर जो भी नंबर था वो नीचे लेट करके ऊपर आ जा रहा था, ये भी बात बिल्कुल सही है। और क्या हो रहा था बच्चों, और समस्या क्या हो रही थी, अगर मैं आपको बताऊं प्रॉपर तरीके से, एक तो क्या था, नीचे वन, ऊपर वन होता था, नीचे डायरेक्ट फॉर्मूला था, खत्म कहानी। दूसरा क्या है कि ऊपर वाला जो था वो नीचे वाले को लेट करके आ जा रहा था, ये भी बात ठीक है। तीसरा क्या हो रहा था बच्चों, तीसरा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगा के हम फॉर्मूला बना देते थे, सही हो जाता था, यही। अब आया एक चौथा मेथड। अब क्या आया है, एक चौथा मेथड क्या, अब देखो अगर आप नीचे वाले को लेट करोगे तो ऊपर वाला बनेगा ही नहीं, करके देख लो चाहे। देखो डेरिवेटिव करो नीचे वाले का, 4x+6 क्या बन रहा, ऊपर नहीं बन रहा, कॉमन भी ले लूंगा तब भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अब हमारे उन पहले के तीनों केसों में से कोई भी केस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए बच्चों। ऐसी सिचुएशन में लेट करते हैं या कंसिडर करते हैं, कंसिडर कि जो ऊपर वाला है ना, ये है ए, या हमें, हाँ इसे लिखेंगे ए ब्रैकेट में 2x² प्लस 6x+5 का डेरिवेटिव प्लस बी, ऐसे लिखते हैं, समझ रहे हो बात को। ठीक है, क्या करते हैं, ऊपर वाले को लिखते हैं नीचे वाला ए और नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस बी। ठीक है, अब ये होगा x प्लस टू, डेरिवेटिव करेंगे 4x+6, 5 तो 0 बन जाएगा, प्लस बी, अंदर मल्टीप्लाई करो 4ax 6a+b। अब क्या करना है, बाय कंपेयरिंग, और कंपेयर क्या करेंगे बच्चों, आप एक्स वाले से कंपेयर कीजिए, 4ax को एक्स से, और बिना एक्स वाले को बिना एक्स वाले से, 6a+b को 2 से। एक्स एक्स कटा बच गया 1, a की वैल्यू 4, यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड, a की वैल्यू आ गई 1/4 6। अब इसमें पुट कर दोगे, a की वैल्यू 1/4 b, तो ये कट गया 2 3/2। अब ये हो गया 3/2 + b = 2, 3/2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और बच्चों कितना आ जाएगा, ये 2 2 = 4 - 3/2, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो बच्चों, b की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू 1/4। अब हमें करना है इंटीग्रेशन, देखिए तो इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट, एक्स प्लस टू, 2x² प्लस 6x+5 dx, करो इंटीग्रेशन। हाँ जी भाई, जल्दी बताओ, ए भाई x प्लस टू किसके बराबर है, x प्लस टू है इस पूरे के बराबर, इस पूरे के बराबर है, x प्लस टू किसके बराबर है, इस पूरे के बराबर। तो जल्दी बताओ a की वैल्यू कितनी निकाली, 1/4, 1/4, साथ में कौन है, 4x+6, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2 रख दो बस, अपॉन में 2x² प्लस 6x+5 dx। अब क्या करना है, अलग अलग करो, 1/4 अलग कर दो, 4x+6, 2x² प्लस 6x+5 dx, प्लस 1/2 अलग, 1 अपॉन में 2x² 6x+5 dx, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है बच्चों, यहां देखो लेट करना जरा, अब लेट करोगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर आ गया एक कम, 4x 6,
dx यहां, dt यहां, 4x plus 6 dx यहां, dt यहां, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब क्या करेंगे, 1/4 भाई, ये पूरा तो क्या हो गया dt, नीचे वाला क्या बन गया t dt plus 1/2। देखो यहां पे आप कंप्लीट क्या लगा सकते हो, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। तो मैंने आपको बताया था ना, एक्स स्क्वायर के साथ मुझे किसी भी चीज को देखना पसंद नहीं है भाई, टू कॉमन ले लो नीचे से। हाँ जी, नीचे से टू कॉमन लोगे, नीचे से टू कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर भाई, 6 में से टू कॉमन लोगे 3x, 5 में से टू कॉमन लोगे 5/2x, तो ये आएगा 1/4, और इसका इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस 1/4 वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह पे क्या लूं 3/2, क्योंकि तभी तो टू से टू कटेगा 3 आ जाएगा, इतने का स्क्वायर ऐड, इतने का स्क्वायर माइनस, प्लस 5/2 dx। बच्चों यहां से लेके यहां तक तो फॉर्मूला बन रहा है क्या, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 dx। सॉल्व कर लो, 1/ में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, हाँ जी, अभी होगा 5 चौके 20 18, यानी प्लस 5 4 जा 20, और ये कितना आ जाएगा, 20 में 2 और ये 8, कट गया 1/4 dx, ठीक है। यानी 4 2 जा 20, 9 2 18, 20 में से 18 गया 2, और 4 4 2 जा 8, कट गया 1/4, ठीक है जी। अब ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 1/4 1/t dt प्लस 1/4, ठीक है, 1/ में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो भाई लो 1/4, इसका क्या होगा, log t प्लस 1/4, हाँ भाई 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या सिखाया था, 1/ में a, a की जगह 1/2, tan इनवर्स x/ में a, ठीक है जी, प्लस c। तो ये तो भाई पलट जाएगा, 1/4 log t, t क्या माना है बच्चों, t किसको माना है, t माना है इसे, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 2 से ये कट जाएगा 2, 1/2 tan इनवर्स, ये बन जाएगा, सॉल्व कर दो इसको, 2x प्लस 3/2 1/2 प्लस c, 2 से 2 कट गया, आंसर आया 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c, आंसर करो। इतना सिंपल था क्वेश्चन है बच्चों, नोट करो इसे। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लो। चलिए बच्चों, ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके आराम से तसल्ली से नोट कीजिएगा आप। अब इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, चलिए
सेकंड क्वेश्चन इसका एक्स प्लस थ्री अंडर रूट फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है? चलो ये भी हो जाएगा बड़े प्यार से। आपको पता ही है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले जैसे मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं जी, कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करने वाले हैं? एक्स प्लस थ्री बराबर ए फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी। तो एक्स प्लस थ्री बराबर ए, पांच तो जीरो हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एक्स, ठीक है, और प्लस बी। तो एक्स प्लस थ्री ए, समझ गए, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का फोर ए माइनस का टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, सॉरी। अब क्या कर दो, एक्स वाले को एक्स वाले बाय कंपेयरिंग, एक्स बराबर माइनस का टू ए एक्स, एक्स एक्स काट दिया वन, माइनस टू नीचे, ए बराबर माइनस वन बाई टू, और क्या भाई, माइनस फोर ए प्लस बी बराबर थ्री, माइनस फोर ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू प्लस बी बराबर थ्री, इससे काट दिया टू, माइनस माइनस प्लस का टू, बी बराबर थ्री, थ्री माइनस टू और बी की वैल्यू आ गई वन। तो बच्चों बी की वैल्यू वन और ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू। सो इंटीग्रेशन क्या है, एक्स प्लस थ्री अपॉन अंडर रूट फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री क्या है, ए माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस बी, बी कितना है भाई, बी है आपका वन, यानी कि बी, ए कितना है, ए है माइनस वन बाई टू और बी कितना है वन, अपॉन में अंडर रूट क्या है फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। चलिए अब अलग अलग कर लेंगे इसे, तो माइनस का वन बाय टू अलग, माइनस का फोर माइनस का टू एक्स अपॉन अंडर रूट स्क्वायर डी एक्स अलग कर लिया, और प्लस वन अपॉन में अंडर रूट फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग कर लिया। यहाँ पे लेट करेंगे 5 माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 2x, और यहाँ पे dx, ये dt। तो भाई माइनस का 1 बाय टू, ऊपर वाली पूरी पार्टी dt बन गई, नीचे वाला क्या बन गया, t dt, ठीक है। प्लस इस वाले में लगेगा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, 5, 4 माइनस कॉमन लोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x dx, माइनस 1 बाय टू ऊपर उठा के ले जाओगे, t की पावर माइनस वन बाय टू डी टी बन जाएगा भाई, क्योंकि नीचे रूट है तो ये क्या है वन बाय टू, ऊपर उठा के ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, फिर प्लस वन अपॉन अंडर रूट फाइव माइनस, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए, बी की जगह पे टू, जितना ऐड किया उतने का स्क्वायर ऐड, उतने का स्क्वायर माइनस, ठीक है, डी एक्स माइनस वन बाय टू। इंटीग्रेशन अभी करते हैं, रुक जाओ, अंडर रूट फाइव माइनस, हाँ जी, यहां से लेके यहां तक क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो बन जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, दो का स्क्वायर चार, तो क्या बन गया डी एक्स। तो माइनस का वन बाय टू टी की पावर माइनस वन बाय टू डी टी प्लस वन अपॉन में अंडर रूट चार, ये नौ, पांच और चार नौ हो जाएगा ना, तो नौ मतलब तीन का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, हाँ जी। तो माइनस वन बाय टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टी की पावर कितना हो जाएगा, माइनस वन बाय टू प्लस वन, माइनस वन बाय टू प्लस वन, ठीक है, ये हो गया, और प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, अब क्या है इंटीग्रेशन, क्या है वन अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर, तो मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस अपॉन में थ्री प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस का वन बाय टू, ये हो जाएगा टी की पावर वन बाय टू, ये हो जाएगा वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस टू अपॉन थ्री प्लस सी, और क्या बन जाएगा, ये भाई पलट जाएगा, ये वन बाय टू पलट जाएगा, टू से टू कट गया, ये आ गया माइनस अंडर रूट टी, अंडर रूट टी प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस टू अपॉन थ्री प्लस सी, और आपको तो अच्छे से पता है
टी कौन है, टी कौन है, टी कौन है, टी कौन है, 5 − 4x − x² + sin−1 x + 2/3 + c। ठीक है करो। करो अच्छा, इसको जल्दी खत्म करो। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 16 पे नजर डालिए। देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले जैसा बन रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, ये तो लेट करके ही काम चल जाएगा। 17th में देख सकते हैं आप, नीचे वाला लेट करके ऊपर वाले जैसा नहीं बन रहा है, ठीक है, तो फिर आप इसमें करना पड़ेगा हमें काम। फिर सेम 18th भी ऐसा ही है, 19 वाले में नीचे वाले को सॉल्व करना है, 20th भी ऐसा ही है, 21th भी ऐसा ही है, 22 भी ऐसा ही है, 23 भी ऐसा ही है। अब जो आप बोलोगे मैं वो क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है 17 से तो बताया ना बच्चों आपको, वही करोगे x + 2a, फिर वही x² - 1 का डेरिवेटिव प्लस b, इस तरीके से। 18th में भी ऐसे ही करना है। 19th में पहले नीचे वाले को x − 5 x − 4 को सॉल्व कर लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर वैसे जैसे बताया वैसे ही करना है। और सेम केस इसमें भी है 20th में। ये काम करूँ मैं 20th करा ही देता हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत ना आए। चलिए इसके बाद 7.4 खत्म हो जाएगा, फिर 7.5 नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से 7.5 भी खत्म करा दिया जाएगा, मतलब एक ही क्लास में लगभग आधा चैप्टर आधा आधी एक्सरसाइज से ज़्यादा खत्म हो जाएगी उसकी। ठीक है जैसे आप 20th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है क्या है भाई, x + 2/√4x − x² dx। अब देख लो भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव करके कभी भी ऊपर वाला नहीं बन रहा है, तो जब नहीं बन रहा है तो आपको पता ही है क्या करना, कंसीडर कंसीडर करेंगे x + 2 = a, डेरिवेटिव कर दो किसका, 4x − x² का प्लस बी, x + 2a 4 2x + b, x + 2 4a 2ax + b। हाँ भाई बाय कंपेयरिंग x = −2ax और 4a + b = 2, एक्स एक्स कट गया तो ए की वैल्यू आ गई −1/2, ए की वैल्यू क्या आ गया −1/2 + b = 2, कट गया 2, ये बन गया −2 + b = 2, तो भाई उधर जाएगा 2 + 2, b की वैल्यू आ जाएगी 4। नाउ इंटीग्रेशन किसका है, x + 2 का √4x − x² dx। हाँ भाई ये कितना है x+2, ये है a, a मतलब −1/2, 4 − 2x है, प्लस b, b कितना है 4/√4x − x² dx। ठीक है तो
तो ये क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे अब, माइनस वन बाय टू कर दो बाहर, ये बन गया 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस 4 बाहर, 1 अपॉन में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सिंपल हो गया जी। हाँ जी, लेट करो 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 4 माइनस 2x डी एक्स डी टी। तो भाई माइनस 1/2 तो यही रहेगा, ये पूरा डी टी बन गया, तो 1 अपॉन में अंडर रूट क्या बन गया, टी डी टी प्लस 4, 1 अपॉन में अंडर रूट। भाई माइनस सबको पता ही है, कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, अब इसमें ही ये डी एक्स माइनस 1/2, ऊपर लेके जाओगे टी की पावर माइनस 1/2 डी टी प्लस 4, 1 अपॉन में अंडर रूट माइनस, हाँ जी एक्स स्क्वायर, जल्दी बता दो एक्स स्क्वायर, ये तो बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, इतना ही ऐड कर दो और इतना ही माइनस कर दो। ठीक है, डी एक्स अब क्या है, इतना हिस्सा तो बन गया फॉर्मूला। इतना हिस्सा तो क्या बन गया, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, अब माइनस अंदर भेजोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस अंदर भेजोगे भाई ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। हाँ जी, करो इंटीग्रेशन, माइनस 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 4। हाँ भाई, ये क्या है, 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बनेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा भाई माइनस 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई टी की पावर 1/2 और ये 1/2 प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 अपॉन 2 प्लस सी, 2 से 2 तो कट गया, माइनस अंडर रूट टी, टी कितना भाई, टी है 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है भाई, ये कर लो फटाफट, ठीक नोट कर लो इसको। ठीक है जी, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, अब आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही टैकल करने हैं। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे भेजिएगा, ठीक है। और बच्चों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, एक बात और बता देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे तो डायरेक्ट 2 का स्क्वायर बन गया, कभी कभी ऐसा होता है मान लो खाली 6 आ गया, अब 6 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ये आएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ऐसे लेना है। खाली 5 आ गया तो ये तो है नहीं, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर। खाली 7 आ गया तो इसका मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर, ऐसे लेट कर लेना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, 7.4 खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में 7.5 शुरू करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय।